यूपी के कासगंज जनपद में आज संयुक्त शिक्षक संगठनों ने ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की। बता दें कि यूपी के परिषदीय स्कूलों में महानिदेशक बेसिक शिक्षा विजय किरण आनंद द्वारा टैबलेट वितरण कराया जा चुका है। धीरे धीरे सभी जनपदों के शिक्षकों को आज 1 दिसंबर से ऑनलाइन हाजिरी लगाने के लिए पत्र जारी कर निर्देशित किया जा चुका है, जिसको लेकर परिषदीय शिक्षकों का कहना है कि जो टैबलेट विद्यालयों को दिए गए हैं उनमें जो सिम डाली जाएगी वह किसके नाम और किसकी आईडी से खरीदी जाएगी। ऑनलाइन हाजिरी में कई तरह की समस्याएं आ रही हैं जिसका शिक्षकों को पहले से अंदेशा है। कोहरा, बारिश, आंधी तूफान, ओलावृष्टि और नदियों को नाव द्वारा पार करते हुए कई किलोमीटर का रास्ता तय करते हुए शिक्षक विद्यालयों में पहुंच रहे हैं, जो किसी भी कारण से लेट हो सकते हैं। उस दिन उनको अनुपस्थित मानते हुए वेतन काट लिया जाएगा। आपको बता दें कि धरना प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने कहा कि कटे हुए वेतन से शोषण का सामना करना पड़ेगा। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद अली ताज ने कहा कि इससे शिक्षकों का शोषण बढ़ेगा, जिससे संगठन किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी बात को लेकर आज शुक्रवार को जनपद के प्रत्येक ब्लॉक संसाधन केंद्र सहित गंज डुंडवारा ब्लॉक संसाधन केंद्र पर भी विभिन्न शिक्षक संगठनों के द्वारा कड़ा आक्रोश जताते हुए धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन खंड शिक्षा अधिकारी को भेजा गया। क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद अली ताज, ब्लॉक अध्यक्ष, जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ। आज जो बीआरसी में जो धरना प्रदर्शन किया गया था शिक्षकों द्वारा, किस संबंध में? जिला पोर्टल पर ऑनलाइन उपस्थिति का आदेश 1 दिसंबर से पूरे प्रदेश में हुआ है कि तमाम शिक्षक जो है अपने चेहरे सहित बच्चों की और अपनी उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज कराएंगे। इस पर विरोध हमारा पूरे प्रदेश में, जितने बीआरसी हैं प्रदेश के समझ, जितने भी संगठन हैं प्रदेश के जो है, उन सब ने एक सहभागिता के साथ जो समर्थन करते हुए इसका विरोध किया है। और विरोध करने का मतलब मकसद ये है कि हमारे पूरे प्रदेश के अंदर जो है टीचर जो ग्रामीण अंचल में पढ़ाने के लिए जाते हैं, वो भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए, कहीं बाढ़ है, कहीं भूकंप है, कहीं आपदाएं हैं, कई जगह तो ऐसी हैं, कई कई नदियां पार करके शिक्षकों को जाना पड़ता है, या नाव कभी नहीं होती है तो नाव का वेट करना पड़ता है, कहीं जो है एमडीएम को शिक्षक लेके जा रहा है, घना कोहरा है, उसमें तेज दौड़ रहा है, तो इस स्थिति में अगर वो 1 मिनट लेट हो जाता है तो उस दिन के वेतन से वंचित कर दिया जाएगा, और ये नुकसान सिर्फ उसका नहीं, उसके पूरे परिवार का, पति पत्नी का और जितने लोग जुड़े हुए उससे होगा। ये टीचर की भावनाओं का के साथ खिलवाड़ है, और एक्सीडेंट होंगे और तनाव बढ़ेगा इससे शिक्षकों में। और खास बात यह है कि जिसके लिए काम करता है, रोजी रोटी के लिए काम करता है, वो उपस्थिति दर्ज कराते हुए पूरी मेहनत करते हुए शाम तक स्कूल में रहते हुए भी अनुपस्थित कराएगा। संबंध में आपने किसी अधिकारी को? जितने भी आला उच्च अधिकारी है, माननीय श्री जिला शिक्षा अधिकारी महोदय राजीव यादव जी को भी हमने पहले अवगत कराया, उनको ज्ञापन दिया, वो हमारे अखबार में भी आया, तो जितने उच्च अधिकारी है संपूर्ण पूरे प्रदेश के अंदर तमाम खंड शिक्षा अधिकारियों को जो है पहले से अवगत करा दिया गया, पूरे प्रदेश के अंदर ये